क्या श्रवण, कब से वेट कर रहा हूँ मैं, कितनी टेंशन है यार मुझे। हाँ, तुझे बहुत टेंशन हो रही है, तू सुबह से यहाँ पे इंतजार कर रहा है इसलिए टेंशन है। वहाँ सभी लोग मेरे पीछे पड़े थे, मुझे कितनी टेंशन होगी। अब जल्दी शादी कर वरना मुहूर्त निकल जाएगा। चल, हर तैयारी हो चुकी है, जल्दी हार दो मुझे। नाम सेल्वी सर। दूल्हा कौन है? मैं दूल्हा हूँ सर। तुम हो तो जरा तुम चुप रहो। ठीक है सर। लड़की का नाम? वंदना सर। उम्र? 20 सर। कितनी? फंस गया यार, 20 खत्म होकर 21 चल रही है, यही इसका मतलब है। ठीक है, ये लो, यहाँ साइन करो। जी। सर हो गया। आप गवाह की जगह कौन साइन करेगा? जी मैं करूंगा। तो दिखने में बच्चे लग रहे हो, तुम गवाह कैसे बन सकते हो? क्या सर, एक सिग्नेचर करने के लिए उम्र का होना इतना जरूरी है क्या? अब मैं होने वाले दूल्हे का सगा भाई हूँ सर, इस शादी का सारा इंतजाम मैंने ही किया है। वो तो ठीक है, लेकिन परिवार के दो लोगों का होना जरूरी है। अच्छा, दो बड़े लोगों का साइन करवा के पेपर तैयार करवाना है। ये भी सही है, इस जगह पैसों के बिना काम ही नहीं होता। 4-5 ये लीजिए सर। ये लो साइन करो। पेन दो। विटनेस बॉक्स में। श्रवण। चलो साइन हो गया, इन दोनों से बोलो एक दूसरे को हार पहना। अरे सुनो पंडित। हाँ, अरे मुझे क्या दे रहे हो, मैं हूं क्या दूल्हा, इन्हें दे दो। अरे हंसो मत यार, पहनाओ ना जल्दी। जब तक उसे संभालूंगा नहीं तब तक कुछ करता ही नहीं है। हाँ थैंक यू सर। ऑलराइट। श्रवण। जी भाभी। तुम्हारे एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नो टेंशन भाभी, मैं अपनी जान पर खेलकर आपको यहाँ लाया ताकि बिना नौकरी धंधा करने वाले मेरे भैया के साथ आपकी शादी करवाऊं। मुझे सिंगापुर जाना है नौकरी करने के लिए, इसलिए आपके गहने गिरवी रखे हैं। गले से मंगलसूत्र उतारोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वही खास है। ए भैया, मैं घर पे जा रहा हूँ और तुम बाकी के सारे काम यहाँ निपटा कर 10 मिनट के बाद आ जाना, मैं तब तक घर वालों को संभाल लूंगा। छोटे। अच्छा भैया, भाभी का हाथ पकड़ कर आना, ठीक है ना? ठीक है तुझे। बड़े भैया, आप तो हमें छोड़कर भाग गए, भाभी बहुत दुखी हो गई है, इसलिए मैंने भाभी की शादी छोटे भैया से करवा दी है। आप होते तो आपसे हो जाती है, अब आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है, अब आप ही कुछ करो। ए बेवकूफ लड़की, सारी बिंदिया चिपका कर रखती है, इसे फोटो कितनी खराब दिखती है, छी कुछ बोलते ही नहीं है। खैर आपकी आत्मा तो देख रही है, आ गए क्या? अरे इससे बोला था कि 10 मिनट के बाद आना, ये 3 मिनट में ही आ गया। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, अब एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो बहुत बुरा होगा। Hey! तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? क्यों मोहतरमा, तुम्हें भी अकल नहीं है क्या? घर में शादी होने वाली जवान बहन है, हाँ, पढ़ लिख कर बिना मेहनत करके मरने वाला छोटा भाई है, 2 फीट जमीन लेकर इसमें कुछ फल होगी या खेती होगी यही सोचकर दिन रात तड़प कर जीने वाले माँ बाप है, जरा उन दोनों का चेहरा तो देखो। हाँ, तुम्हें घर वालों का जरा भी ख्याल नहीं आया और अपनी मर्जी चला कर आ गए। ठीक है, अगर शादी करनी थी तो मुझसे कहते, अरे हमारे माँ बाप जिंदा है, अपनी मर्जी से गांव की एक लड़की को हार पहनाकर लाकर हमारे सामने खड़े हो गए, कोई बर्दाश्त करेगा क्या? ठीक है, अब सुनो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन मुझे इस घर की इज्जत बहुत प्यारी है। तुम पड़ोस की एक लड़की को लाकर यहां कैसे खड़े हो गए? अब हम पंचायत पुलिस के चक्कर में भटक नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, पहले घर वालों से पूछ लो, जाओ। अरे जाओ ना, जाओ जाओ। अब बचा क्या है कहने को, जाओ। ए रुको, क्या पापा, मैं इन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और आप एक इन्हें घर के अंदर लेने की कोशिश कर रहे हो, मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं? तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? अरे तुम जाओ। पापा आप मान गए हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लो और अंदर जाओ। ए अरे इनका राम का हिसाब कर रहे हो पापा? हाँ बेटा। घर में कोई है? कोई है क्या घर में? घर पर कौन है? कौन है घर पे? कोई है? अंदर आइए ना। यहाँ पर श्रवण कौन है? वो मेरा बेटा है, क्या बात है? तो क्या यही श्रवण है तुम्हारा बेटा? जी हाँ सर, अगर इसने कोई गलती की है तो सर प्लीज इसे माफ कर दीजिए, वरना हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। ये क्या बोल रहे हैं, पुलिस के आने का ये मतलब नहीं कि आपने कोई गलती की है। आपके बेटे ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, उसी की इंक्वायरी करने आए हैं। घर देखकर तो लगता है कि आप लोग खाते पीते घर के हैं। वो क्या है भाई साहब, अगर हम लोगों को कुछ पीने के लिए छाछ वाछ मिल जाता तो अच्छा रहता। सर बेटी, आप हमारे यहाँ बहुत दूर से पहली बार आए हैं सर,
छाछ क्यों पियेंगे? चलिए मैं बियर पिलाता हूँ, आइए। वैसे आपको देखकर घर में सभी घबरा गए हैं, आइए। मैं पैकिंग करके बिल्कुल तैयार बैठी थी, उसके बाद भी मेरे दिल में छोटा सा डर था, लेकिन तब आपके छोटे बेटे ने मुझे हिम्मत दी। क्यों भाभी, क्या हुआ? मेरी बहन से बहुत अच्छी जम रही है, वो भी बहुत हिम्मत वाली है। किसी की तारीफ नहीं हो रही, जो हुआ वही सुना रही है। वैसे श्रवण, इस उम्र में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुझे? हिम्मत तो बचपन से ही मेरे अंदर है। क्या माँ, हमारे घर में कुछ तलने की अच्छी खुशबू आ रही है, हा? हमारे घर में मुर्गी मटन बनना बहुत बड़ी बात है। वैसे भी आज शुक्रवार की एकादशी है, हा? हो सकता है मुर्गी तली जा रही है या फिर मटन फ्राई हो रहा है। ए छोटी, पापा की तबीयत बहुत खराब है क्या? पापा ने ही बोला है, तुम सिंगापुर जा रहे हो ना, इसलिए मम्मी आज कुछ स्पेशल बना रही है। अच्छा भाभी, सारे गहने गिरवी रख दिए? मुझे पता नहीं था इसलिए पूछा। वैसे नहीं रखे तो मुझे दे दीजिए ना, एहसान हो जाएगा। ए सुन छोटे, मैंने भैया भाभी की जैसे शादी करवाई वैसे तेरी शादी करवाऊंगा, मत सोचना। तुम भी मत सोचना कि मैं किसी लोकल पार्टी से शादी करूंगी, मेरी रेंज बहुत हाई है। अरे डफर, तूने भी चक्कर शुरू कर दिया क्या? कौन है वो लड़का? ये देखो, ये है वो लड़का, वीरेंद्र सहवाग। पहले से ही वो किसी और का हो चुका है, सपना डिक्टेटर सहवाग का। श्रवण जी, पापा सारे पेपर्स तैयार हो गए हैं, कल का दिन भी बहुत अच्छा है। उस एजेंट का नाम क्या है, राम सोनू गुना गुना? हाँ, पैसों की बात करने के लिए उसे यहाँ आने को कहो। अभी आता हूँ भाभी। सब छुप छुप करना भगवान। सारे घर वालों के गहने गिरवी रखकर मैंने ये पैसे इकट्ठे किए हैं, हर महीना 10,000 ब्याज के हिसाब से। इन पैसों से हमारे पूरे परिवार की इज्जत और सपना जुड़ा हुआ है। मैं ये बात घर में भी कर सकता था, लेकिन यहाँ मंदिर में आकर कह रहा हूँ। जो भी है, ये मेरे बेटे का सपना है, और जानते हो इसमें सिर्फ इसी का नहीं, हमारे पूरे परिवार की इज्जत गिरवी है। पूर्ण स्वामी, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनके साथ कभी दिल दुखाने वाला कोई काम नहीं करता। मेरे मामा का लड़का रामचंद्र जो है, उसको मैंने खुद सिंगापुर भेजा था, आज वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। सब अच्छा ही होगा, आपका लड़का भी बड़ा बनेगा, आप मेरा यकीन कीजिए। श्रवण, कल तुम्हारा टिकट कन्फर्म हो जाएगा, तुम रेडी रहना, ठीक है? मैं चलता हूँ। सुन श्रवण, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स भी आए हैं, अभी घर चलो, कहूंगी तो नहीं आओगे। हम लोग चलते हैं। सेल्वी चलो घर। हाँ, हम चलते हैं। श्रवण तेरा तो चेहरा खिल गया यार। क्या बोलता है? हाँ। आज धमाल करेगा। चल चल, धमाल करते हैं। आते समय मेरे लिए सेंट लाना। प्यारे, मेरे लिए पोर्टेबल टीवी लाना। हाँ। मत भूलना। ए तू चुप कर रे, हमको इस खुशी में पार्टी चाहिए। इस जलती धूप में पार्टी वार्टी करके सर जलाना है क्या? श्रवण सर, तुम्हें यही रहना है? अरे वाह, रहने की जगह तो बहुत ही सुपर है। उधर नहीं, इधर। इधर और उधर? वहाँ सब कंप्यूटर इंजीनियर और पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तुम जैसे मजदूरों के लिए यही जगह है क्या? हेलो, क्या देख रहा हूँ मैं? आते समय तो हंसता हुआ था और अब तेरा चेहरा फ्यूज हो गया। देख, तुझे मैं कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं दिलवा सकता हूँ। यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा होता है। यहाँ काम पूरा होने तक मजदूरों को यहाँ रुकवाते हैं और काम खत्म होने के बाद दूसरे शहर में भेज देते हैं। चल खैर छोड़, तू अपना पासपोर्ट और वर्क परमिट मुझे दे दे, मैं अंदर जाकर एंट्री करवा कर आता हूँ। देख, तेरा पासपोर्ट और वर्क परमिट सब ऑफिस में जमा हो गया है। ये ले, ये तेरा आई कार्ड है, इसे लेकर तू ज्यादा घूम नहीं सकता वरना फंस जाएगा। अब तू सीधा यहाँ से राइट में जाना, फिर ऊपर जाना, वहाँ 43 नंबर का बेड है, वो तेरा है। वहाँ जाकर तेरा सारा सामान रख देना और आज तू पूरा आराम कर, कल से तेरा काम शुरू होगा। और हाँ, तेरे फ्रेंड्स को अगर यहाँ नौकरी चाहिए तो बताना, मैं उन लोगों का भी इंतजाम कर दूंगा,
और तुझे भी कमीशन दे दूंगा। चल मैं चलता हूँ। सुनना बोलना। गांव से फोन आया था, कहा कि पैसे भेजो। पैसे भेजे नहीं क्या? पैसे है कहाँ? क्यों नहीं है? तू जानता तो है। हेलो हेलो, सॉरी तुम्हें नींद से जगा दिया मैंने। यहाँ श्रवण किसका नाम है? हाँ मैं ही हूँ। मेरा नाम किरण है। वो गांव से फोन आया था इसलिए तुमसे मिलने चला आया। कुरियर ले आयो? एक मिनट। हाँ हेलो बॉस, तुम यहाँ नए आए हो क्या? यहाँ आने में कितना खर्च हुआ? 2 लाख रुपए। जब मैं आया था तब मैंने भी 2 लाख ही दिए थे। मेहनत हम करते हैं और ऐश ये सारे एजेंट करते हैं। तुम भी देखो यार, मेरे बहन की शादी थी, उसका वीडियो है। क्यों बॉस, तुझे इस महीने का एडवांस कुछ मिला क्या? तू ये बता कि तू फ्री में काम करने आया है या फिर सैलरी भी मिलेगी? नहीं भाई, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये देखो मेरे माता पिता। तेरे माँ बाप तो अभी भी जवान है। अरे नहीं यार, थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं, रुक। जबरदस्त दिख रहे हैं। सच में थैंक यू यार, ये मेरी बहन की शादी का वीडियो है। तुम्हारी बहन की शादी में तुम नहीं गए थे? यहाँ का काम छोड़ के कैसे जाता है यार, ये काम भी तो जरूरी है ना। फोन अटेंड करने का काम भी मेरा है इस घर में। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? विमल सर है क्या? हाँ है, तुम कौन हो? मैं आपके घर में काम करने वाले आनंद का पिता हूँ। हाँ बोलिए। आपके भाई का टॉर्चर हद से बाहर हो गया है, इसीलिए मेरी बेटी ने काम छोड़ने का फैसला किया है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे मेरी आँख में साबुन आ गया था भाई, काम छोड़ना था तो 1 महीने पहले बोलना चाहिए था। अचानक ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अरे आपसे परेशान। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, कल ही मैं आपकी बेटी को कोई अच्छी नौकरी दिलवा देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। राइट। भैया तुम कहीं और पैदा होते, पड़ोस में पैदा हो जाते, या फिर हमारे पापा के किसी रिश्तेदार के घर में पैदा हो जाते, भाई बनकर क्यों पैदा हुए तुम? आँख के अंधे, हमारे घर में अब तक काम करने वाली 27 लड़कियां काम छोड़कर जा चुकी हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब इस शर्म के मारे भर जाना चाहिए तुझे। चबर चबर खाता रहता है, खाता रहता है। अरे भाई हाथ में दर्द हो रहा है क्या? लगता है छाले पड़ गए, 2-3 दिन तो सहना ही पड़ेगा। बहुत जल रहा है भाई। रुको मेरे पास ऑइंटमेंट है, देता हूँ। ये लो। थैंक्स ब्रदर। लगा लो उसे, ठीक हो जाएगा। अरे भाई थोड़ा सा मेरे लिए भी तो बचा लो। Where is rat? Where is rat? Where is rat? You can't go away from me. Where are you? Come. Oh, you are inside the bed. Huh? Where are you? I'll kill you. श्रवण, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? वो 3 साल का है भाई। तो तू 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में आया है? देखो इस ग्रुप में सारे मजदूर तुम्हारे जैसे ही हैं। जो भी वक्त मिला है हंसते खेलते गुजारो। खाओ, भाई यहाँ हम क्या गधा मजदूरी करते हैं ये करवाने वाले को भी पता नहीं है। अरे अगर कुछ कमाना है तो कहीं दूसरी जगह पार्ट टाइम जॉब भी देखो। बता क्या तकलीफ है तुझे, अगर तू बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? मेरी पगार क्या है सर? सिर्फ 800 बेली। हमारे गांव के हिसाब से कहूँ तो 26,800 के करीब होते हैं। उसमें से खाना खाने में 3,000 लगते हैं। उसके बाद आया सो, तेल, शीशा, सेंट, सब मिलाकर पूरे 2,000। तो मैं पाई पाई जोड़कर 3 साल में लगभग 1,80,000 रुपए ही बचा पाऊंगा। तो बताइए मैं पापा का लिया हुआ 3 लाख रुपए कैसे चुकाऊंगा? ए सुन, तू मेरी पहचान वाला था इसलिए मैं तुझे अपने साथ लाया और तुझे नौकरी भी दिलवाई, लेकिन तू ऐसी बात कर रहा है।
देख कर्जा तूने लिया है ना, मैं क्या कर सकता हूँ बता। मुझे कोई काम दिलवाओ ना। काम तो दिलवा दिया ना तुझे? वो नहीं, मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब चाहिए। ओ, तो तुझे उसका भूत सवार हो चुका है। चल ठीक है ये बिल दे दे, मैं अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगा तुझे। वो क्या है ना, मेरे पास अपने देश का पैसा है। कोई बात नहीं, एक्सचेंज कर देंगे ये लोग। नहीं यहाँ नहीं है, मैं कंटेनर में ही रख कर आया हूँ। तू तो बहुत शाना है, बहुत कंजूस है तू, तेरे साथ पार्टी नहीं करनी चाहिए। मजाक कर रहा था। I'll do something. और गुना यहाँ कैसे आना हुआ? खास आपसे मिलने के लिए आया हूँ सर। ये हमारे गांव का लड़का है, बहुत शरीफ लड़का है, अच्छे खानदान का है। आपको गाड़ी साफ करने के लिए कोई लड़का चाहिए था ना, इसलिए मैं इसे लेकर आया। चलिए जरा। तुम्हारा नाम क्या बेटा? नया किला पूर्ण स्वामी श्रवणानंद। बहुत छोटा नाम है जी। वो साहब ने कहा है कि कोई भी नाम पूछे तो पासपोर्ट में जो है वही कहना, इसलिए। ओके मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। डोंट वरी एट ऑल सर, थैंक यू। ओके सर। क्या भाई ये हर बात में हो जाएगा कर दूंगा ऐसा बोल रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, वो काम देंगे या नहीं देंगे? अरे उन्होंने ओके कहा तो। सर सर आपका नाम पासपोर्ट पर कोरी गुना है ना? नहीं नहीं मैं आपको गुना ही बुलाऊंगा। गुना सर कहूंगा। अच्छा खुजली गुना। एक्सक्यूज मी यस कैन यू हैव अ वन कप टी विद मी? क्यों? आई वांट टू टॉक टू मी फॉर 2 मिनट्स। आप रहती कहाँ है? मेरी बात सुन, मैं तुम्हें 2 मिनट देती हूँ, उसके अंदर फालतू की बातें किए बिना तुम्हें जो कहना है कहो। वाओ व्हाट अ ब्रिलियंट जॉब। मतलब मैं इंडियन हूँ, फट से पता लगा लिया? वो तुम्हारे चेहरे से ही दिखता है। पॉइंट पे आ जाओ। चेहरे पे दिखता है? नॉटी कहीं के, आई लव यू कहना है। सॉरी यू आर रॉन्ग। 2 फीट की दूरी से कैटवॉक की अदा से तुम मुझे रिझाने की कोशिश करोगी तो मैं नहीं भटकूंगा। ओके ओके बोलो ना। ओके मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो, पहले इसे छोड़ो। इसकी एक छोटी सी कहानी है। इस वीक के बारे में तुम्हें नहीं पता? मेरी दादी जब छोटी थी तब अपने बालों में इसे लगाती थी, उसके बाद मेरी माँ इसे लगाती थी, अब मैं इसे लगाती हूँ। ये हमारी खानदानी विग है। मुझे पता होता तो पूरा गोदाम खरीद लेता। क्या तुमने कुछ कहा? मतलब आपकी फैमिली कितनी महान है ये कह रहा था। उनके नियमों को मैं फॉलो कर रही हूँ। क्या? तुमसे लव करने के लिए? नो 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 नो। क्यों? क्या हुआ? मैं पसंद नहीं। मेरा टेस्ट कुछ अलग है। तुम्हारा टेस्ट कैसा तुम है? तुम क्यों जानना चाहती हो? उस हिसाब से मैं खुद को बदल लूंगी। बहुत अच्छा लगा कि तुम जानना चाहती हो। मैं जिस लड़की से प्यार करूंगा वो मेरे पास आने से पहले कम से कम 4 लड़कों से प्यार कर चुकी हो, और उसमें से 3 लोग देवदास बन चुके हो, और कम से कम 2 लोग करंट का झटका खा रहे हो, और उसमें से 1 आदमी खूब दौलतमंद होना चाहिए जिसने खुद आत्महत्या की हो या किसी ने मर्डर किया हो। कल जो बिगड़ा हुआ था आज वो सुधर सकता है, और आज जो सुधरा हुआ है वो कल बिगड़ नहीं सकता है क्या? मैं समझी नहीं। देखो अगर आज मैं एक बिगड़ी हुई लड़की से शादी करूंगा तो कल उसके सुधरने के चांसेस बने रहेंगे ना, इसीलिए। अरे वाह, मैंने सोचा था मेरी शादी होगी ही नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। आई लव यू यार। अरे भाई आज इतना उदास क्यों है? वो क्या है ना भाई, सिंगापुर आने के बाद घर में एक बार भी फोन नहीं किया, मम्मी से बात करने का दिल कर रहा है मेरा। ओहो तू परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। अरे थैंक्स। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बात किसी को बताना नहीं। देखो वर्क ऑफिस में सबकी ड्यूटी बंधी हुई है, जिस दिन मेरे गांव वाले की ड्यूटी लगेगी उससे सेटिंग करके तेरे घर पर तेरी बात करवा दूंगा। पर एक बात का ध्यान रखना, बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। अरे 5 मिनट क्यों भाई, 4 मिनट में 4 बातें, सिर्फ माँ से ही बात करूंगा। वेरी गुड, फिर चलो काम पर। अरे आओ ना, ये लो रिंग बज रही है। हेलो हेलो, हाँ मैं सिंगापुर से नया किले का श्रवण बोल रहा हूँ। कौन है? शीला बहन हो क्या? हाँ दीदी दीदी मेरी माँ को जरा बुला दोगी? हाँ माँ को बुला रही हो ना। अरे सुन, यहाँ पर बात करने की 1-1 सेकंड की कीमत है। और जो तू इतना चिल्ला रहा है यहाँ के लोग पहले सुन लेंगे, तेरे घर वाले भले ना सुने। जरा रुको ना, माँ से बात करने। हाँ ठीक है ठीक है, बात कर। हाँ माँ, मैं सिंगापुर से तुम्हारा बेटा नया किले का श्रवण बोल रहा हूँ, कैसी हो माँ? हाँ मैं ठीक हूँ। भैया, पापा, भाभी, हाँ मैं ठीक हूँ माँ। पापा है तो उनसे कह देना कि मैं उन्हें बहुत याद कर रहा हूँ। हाँ और भाभी से कहना सारे गहने छुड़वा दूंगा, तुम डरो मत माँ। माँ बाजू में सेल्वी है क्या? छोटी बहन छोटी बहन, उसे जरा बुलाओ ना। ए मुझे भी बात करनी है बस यार। कुछ ही देर भाई प्लीज प्लीज, थोड़ा जल्दी कर। सेल्वी कैसी है तू? हाँ मेरे साथ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। हे भगवान, अरे टाइम हो गया यार, चलना। हेलो, हाँ क्या भाई, ठीक से बात भी नहीं करने देते। तुमने कहा था कि थोड़ी सी बात करोगे, ये तुम्हारी थोड़ी सी बात है?
अरे अब तुम बात करो ना भाई। अरे जितने का कूपन लिया था वो तूने बात करके खत्म कर दिया। अरे बाप रे, कोई आ रहा है क्या? मैं तो खास बात करना ही भूल गया भाई। भैंस ने बच्चा दिया या नहीं ये पूछना था। मेरी बात तो सुनेगा है नहीं, और तेरी वजह से मुझे कल को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। श्रवण, हाँ यार, मुझे 10 दिनों के लिए कुछ पैसे चाहिए। लो कर लो बात, तुम्हें उधार चाहिए और वो भी 10 दिनों के लिए ही ना। सही सही बताओ, पैसा वापस करोगे ना? अरे नहीं श्रवण, कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई, मैंने जो तुझे सलाह दिए थे उसके कमीशन मांग रहा हूँ। ये नया किले का छोटू तुम्हें इतना बेवकूफ लग रहा है क्या? अरे मैं कमीशन क्यों दूँ? भाई काम हो या सलाह, यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तेरा काम हो गया, $10 दे दो। उस चाइनीज को टीवी के लिए देना है। भाई $10 का मतलब कितना होता है? हमारे देश के हिसाब से 750 रुपए। हमारा पूरा परिवार 1 हफ्ते तक आराम से खा पी सकता है। कोई भी चाइना से आएगा और यहाँ आकर टीवी फोड़ेगा तो उसका पैसा हम क्यों भरेंगे भाई? उनसे कह दो मैं नहीं भर सकता, उन्हें जो करना है वो कर लो। पैसा कभी फोकट में नहीं मिलता है। हाँ श्रवण, मेरी बात सुन। ब्लैक फेलो, अरे यार श्रवण, तुझे क्या जरूरत थी उस चाइनीज से भिड़ने की? अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो हम सबको बहुत तकलीफ हो जाएगी। जितना मांगे उन्हें दे दो। उनसे उलझने का मतलब है काम छोड़ना और घर वापस लौट जाना। भैया। हाँ सुन रहा हूँ, बोल क्या कहना है? मुझे 1 दिन के लिए अपने ये शू दे दो ना भाई। अगर मैंने अपने शूज तुझे दे दिए तो मैं क्या नंगे पैर जाऊँगा? नहीं भाई, सिर्फ 1 दिन के लिए चाहिए। आज मेरी छुट्टी है ना, तो मैं ये शूज पहनकर जरा स्टाइल मारूंगा, टाउन में घूमूंगा फिरूंगा और अपने 4 लोगों से मिलूंगा। दे दो ना भाई। बेटा तुझे बहुत जल्दी यहाँ की हवा लग गई। मैं 1 साल से यहाँ हूँ, कहीं भी घूमने नहीं गया, और तुझे घूमना है वो भी मेरे जूते पहनकर। ऐसा क्यों भाई? सब कुछ बेचकर यहाँ आया हूँ, 1 ही जोड़ी शू है मेरे पास। छोड़ो ना भाई, 2 दिन पहले नींद के नशे में मैंने अपना ब्रश समझकर आपका ब्रश और आपकी पेस्ट यूज कर ली थी। अरे फूटी किस्मत, तूने नींद के नशे में नहीं जानबूझकर मेरा ब्रश यूज किया होगा। ठीक है भाई, शूज लेने हैं तो ले ले। थैंक यू भाई। लुक एट हियर, दिस इज योर पासपोर्ट। ए, ऐसा मत कर। नहीं नहीं, उसे मत जला। मेरी बात सुन, देख वो मेरी लाइफ है। You hit सुन me? उसे मुझे दे दे। ऐसा मत कर, प्लीज रुक जा। How dare you to hit me? मुझे माफ कर दे। I got it. You want passport? You want passport? Here it is. See this? It is gone. It is gone. You want back? It is finished. Your passport is finished. Don't show me your attitude, man. Now your passport is gone. Yeah!
डैड। श्रवण सर, देखिए सर, सब कुछ खत्म हो गया सर। मेरे माँ बाप ने कितने मेहनत से पैसा जुटा कर मुझे यहाँ कमाने के लिए भेजा था, सब कुछ वेस्ट हो गया सर। पासपोर्ट तो डुप्लीकेट बन जाएगा, मैं सीधा हॉस्पिटल से यहाँ आ रहा हूँ। वो चाइनीज सर फटने से जो है मर गया, तो तू यहाँ से फौरन निकल। हाँ सच कह रहा हूँ, मुझे ये बात बिल्कुल सही लग रही है। सर ये आप क्या कह रहे हो सर? देख श्रवण, मैं मानता हूँ तू खूनी नहीं है, लेकिन यहाँ कोई इलीगल तरीके से रह ही नहीं सकता, इसलिए तू पहले अपनी सेफ्टी देख, वरना तू खून के केस में फंस जाएगा, और उसके बाद पुलिस केस में फंस जाएगा तो समझ ले तेरी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सर अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? पहले जान बचाने के बारे में सोच। सर 3 लाख का कर चुकाना है, गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? यहाँ रुका तो जिंदा नहीं बच पाएगा, यहाँ की पुलिस हमारे देश जैसी नहीं है। सर आप मुझे डरा डरा कर जीते जी मारने वाले हो, ऐसी बात कर रहे हो? श्रवण मैं तेरी भलाई की बात कह रहा हूँ, तू मेरे गांव का लड़का है इसलिए मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ डॉलर्स हैं, तू इन्हें रख और यहाँ से कुछ दिनों के लिए गायब हो जा। यहाँ का सारा मामला शांत हो जाने के बाद मैं तुझे फिर से बुला के कोई अच्छी सी नौकरी दे दूंगा, ठीक है? ज्यादा सोच मत, ले पकड़ और ऊपर से जाके अपना सामान ले गया, सिक्योरिटी को मैं संभाल लूंगा, तेरे टिकट का इंतजाम करता हूँ मैं। Who are you? Why are you sleeping here? Tell us why are you sleeping here, man? Tell us the truth. Sir, मेरी बात सुनिए। I am Shravan from नया किला। इधर work sir, work। मैं यहाँ काम करता हूँ। Okay, show us your work permit and passport. Come on. Passport in room, sir. Passport मैं उधर भूल गया। Come on. Come with us. No, sir. My passport is in container, sir. Get up. Let's go with us. Come with us. Passport in room, sir. Sir, please, sir, मुझे छोड़ दीजिए, sir. Sir. सर बिग फैमिली सर, सर प्लीज सर, सर मुझे छोड़ दीजिए सर। नो सर, आई एम गुड बॉय सर, गुड फैमिली सर, नो टेररिस्ट सर, सर प्लीज सर, पुट इन द कार सर, गो इनसाइड सर, गो इनसाइड। मैं कभी पुलिस के लफड़े में नहीं आया सर, मुझे बहुत डर लगता है सर। सर सर मेरी बात सुनिए ना सर, सर सर तुम कहां से आए हो? मैं इंडिया से हूं सर, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं सर। hey, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। सर मैं यहाँ काम करने आया था, एक चाइना वाला मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था सर, गुस्से में मैंने उसे एक थप्पड़ मारा था सर, इसलिए उसने मेरा पासपोर्ट जला दिया। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी सर, वो ही मुझसे उलझ कर नीचे गिर कर मर गया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे बचा लीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी पिस्टल निकाल। सर मैं जो कह रहा हूँ वो कर, वरना तो मारा जाएगा। सुन हमारी भाषा यहाँ कोई नहीं जानता, पिस्टल निकाल और मुझे जान से मारने की धमकी दे और यहाँ से बच कर निकल जा। सर पुलिस के हाथ में पड़ा ना तो तुझे फालतू केस में फंसा कर तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जो कहता हूँ वो कर। सर, मेरी गन निकाल, चल जल्दी कर, दरवाजा खोल और कूद जा। Hey, stop! Hey, stop! Down! कोई आगे नहीं बढ़ेगा। Put the gun down. मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। Put the gun down. कुछ तो मुझे बंदूका। Put the gun down. Hey, चल बचो। Hi, Shalu. Uncle, don't come. No, go back. Go. Uncle, please don't come now. मेरी बच्ची जो मैं कह रहा हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मुझे लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं और वो मेरा वेट कर रहे हैं, इसलिए अभी की अभी मैं इंडिया चली जाऊँ, यही कहना चाहते हैं ना आप? अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे बड़े पापा, उनका परिवार
और हमारे गांव की बुआ इन सब ने तुम्हें बचपन में देखा था। अब इतने सालों के बाद अगर वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? जाहिर है अंकल, I just want to be alone। आपने पहले कहा था जाकर अपनी फैमिली वालों से मिल लो और फिर कहा कि लड़के वालों से जाकर मिल लो। I just hate you all। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं घर वालों से स्ट्रिक्टली कह दूंगा कि तुमसे शादी को लेकर कोई बात नहीं होगी। डोंट वरी बेटा, सी दे आर ऑल्सो मिसिंग यू अलॉट। मेरा कहना मानो, वहाँ जाकर 20 दिन रहकर आओ। तुम जानती तो हो कि मेरी वाइफ तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। बेटा वो तुम पर अपनी जान छिड़कती है, तो तुम वहाँ जाओ और सबसे मिलकर आओ प्लीज। मुझे पता है आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तुम्हारे जाने की पूरी तैयारी कर दूंगा, तुम्हारा टिकट वीजा, कम ऑन, ओके ओके, एयर टिकट वीजा, लैपटॉप सब तैयार कर दूंगा, ठीक है? मुझे उस लैपटॉप की जरूरत नहीं है, वो पुराना हो गया है। मुझे चाहिए रेडियो बुक, ग्राफिक राइटर, सीडी डीवीडी कॉम्बो, ये नए लैपटॉप में सेव करके लीजिए। एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज डन, ओके? तुम जल्द से जल्द बस अपने जाने की तैयारी करो। आज रात की फ्लाइट करा दूं? नहीं नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं कल चली जाऊंगी। ओके, नो प्रॉब्लम, तुम आराम से तैयार हो जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। व्हेन यू आर रेडी गिव मी अ कॉल, बाय, टेक केयर। इस घर में हर तरह की दुकान खोल कर रखी है मैंने। अमेरिकन बैंक एसीसी बैंक से लोन लेकर बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, मेरा बड़ा भाई लड़कियों का दीवाना है, वो उन पे लुटाता है और मैं भरता हूँ। इसका पहले मतलब पता होता तो शादी नहीं करती ना। एनीवे टू लेट हो गई ना। और दूसरी बात, इस घर में माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं और मेरा बड़ा भाई। ये एक धर्मशाला की तरह है, जैसा तुम चाहती हो। यहाँ हेल्प करने वाला कोई नहीं है, हर किसी को अपना खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। ओके, कम, वेट 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 वेट, पहले दायां पैर। शास्त्रों में जो लिखा है उसका पालन बहुत जरूरी है, इसलिए पहले दायां। गो गो गो। आप सुनिए जी, सुनिए सुनिए जी, वो कौन है? आपके जैसे ही है। अरे रे 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 रे, मेरे भैया अंदर ही है क्या? मुझे लगा कि वो बाहर घूमने गया होगा, इसलिए तुम्हें लेकर के अंदर आ गया। मगर वो आपसे कहीं ज्यादा सुंदर है। क्यों रे, उसकी चमड़ी मुझसे ज्यादा गोरी है तो तेरा दिल उस पर आ गया क्या? तुझे नहीं पता, दिन भर खाता रहता है यहाँ, जो भी लड़कियाँ आती हैं उनका जीना हराम कर देता है। वो कोई और नहीं, मेरा सगा भाई है खून वाला। अब तक हजारों लड़कियों को छोड़ चुका है वो, लेकिन अभी भी कोई लड़की दिख जाए तो उसे घूरना नहीं छोड़ता है वो। इन केस उसे मैं हूँ समझकर उसके साथ आंखें दो चार मत कर लेना। फर्स्ट नाइट का इंतजार और नहीं कर पा रहा हूँ। चलो 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 चलो। नाइस, टुडे इज योर डे। आज मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, मैं गेम छोड़ रहा हूँ। नो नो नो, खेल आधे में छोड़कर जाना गलत बात है। एक बिजनेसमैन के नाते जो शुरू किया है उसे खत्म करो। इट्स ओके। नहीं गफार, ऐसा मत करो। या तो यहाँ आते नहीं, अब आ ही गए हो तो गेम छोड़कर जाना बहुत गलत बात है। ओके, वी कैन प्ले। ओके, दैट्स गुड। टेंशन मत लो गफार, कई साल पहले तुमने मुझसे लाखों रुपए उधार लिया था, मैं मांगते मांगते थक गया, तुमने तो दिया नहीं, मैंने सोचा खुद ले लूं। इट्स ओके सर, कॉल फॉर यू। हेलो, हेलो अंकल, इट्स मी। हाय, एक्सक्यूज मी, जस्ट टेक केयर। अंकल, क्या अंकल, आप मुझे यहाँ बुलाकर खुद लापता हो गए हैं। सॉरी 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 सॉरी, आई विल बी देयर इन फ्यू मिनट्स। मुझे किसी से नहीं मिलना है। गुस्सा मत करो, लिसन, आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स डार्लिंग। ओके, जल्दी आइए जल्दी आइए। बाय। श्योर श्योर श्योर। बैड अंकल। सॉरी 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 सॉरी, लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, माय लकी पिंक, ये मेरा इस पे। Somebody is waiting for you, sir. Outside. ये मेरी बेटिंग है। Ganam, are you all right? Yeah, I'm all right. Then we start. You can start. Shit. Game palat gaya. Mr. Gafar, main game yahi khatm karna chahta hu. Kyun Mr. Ganam? Tumne hi to kaha tha ki game se piche nahi hatna chahiye. Haarne ka dar ho to yahan nahi aana chahiye. Of course. Is waqt mera bangla, factory, almost complete property दांव पर लग गई है, ऐसा मेरा पीए बता कर गया। कुछ देर पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन की बात कर रहे थे तुम, कोई वर्कआउट नहीं हुआ क्या? प्लीज डोंट टीज मी, ये वक्त मेरा दुश्मन बनकर खड़ा हो गया। लेट मी मेक अ मूव। वेट, तुम्हारे सारे बिजनेस तो प्रॉफिट में चल रहे हैं ना, अब ऐसे क्या देख रहे हो? शालू को दांव पर लगा दो।
कूल मिस्टर ज्ञानम, हम सब बिजनेसमैन हैं भाई, हमें अच्छा बुरा पाप पुण्य नहीं देखना चाहिए। व्हाट आर यू टॉकिंग? जो तुमने कहा था वही मैं कह रहा हूँ। पहली बात, यहाँ आना नहीं चाहिए, और अगर आ गए तो गेम छोड़कर जाना नहीं चाहिए। अरे गेम छोड़ना शरीफों को शोभा नहीं देता है। शैल वी स्टार्ट? Wow! Now is my day! क्या हुआ मिस्टर ज्ञानम? तुम्हारी शालू अब मेरी हो गई। Shut up! Don't move! Move, move, move! All of you move! All of you! Move! Move that side! ज्ञानम! ज्ञानम क्या कर? Move everybody! ज्ञानम, what is this? Catch him! Move aside! Move aside! Move! हाँ अब ठीक है। सर सर ओपे देखा सर, बोलो मत सर, दरवाजा खोलो, किसने ने शूट कर दिया है? अंकल बहुत कोने कर रहा है। ओह गॉड, अंकल रुकिए, मैं साफ कर देती हूं। अंकल रुकिए ना, डोंट टच इट, वेट। क्या हुआ अंकल? यू हैव टू हेल्प मी। हां बोलिए ना सर। अंकल डॉक्टर को बुला लें प्लीज। डोंट वरी श्रवण, तुम मेरा काम करोगे? हां बोलिए ना सर। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूं, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। सर क्या हुआ? अंकल कौन? ओह गॉड, इस कार्ड में जो एड्रेस है वो इसके पापा का है। वो लोग इंडिया में जाकर सेटल हो गए हैं। इस बच्चे को ले जाकर इसके माँ बाप के पास सही सलामत पहुंचा दोगे तुम? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? Try to understand my problem. I'm in deep problem. मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। ओके ठीक है। तुम्हारा श्रवण? यस श्रवण, मेरी इतनी मदद करोगे ना? सर नहीं सर, मैं मेरी प्रॉब्लम आपको कैसे? नो, यू हैव टू डू। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस ये काम कर दो। सर नहीं सर, मुझे मैं सब जानता हूँ। तुम्हें तुम्हारे गाँव पैसा भेजना, यही ना? मैंने कहा ना जितना चाहिए उतना दे दूंगा। मेरा काम कर दो बस प्लीज। श्रवण देखो, तुम्हारा प्रॉब्लम पैसों का है। कितना चाहिए बोलो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं सब दे दूंगा। 3 लाख रुपए। बस इतना ही? आई विल गिव यू, बस मेरी बच्ची को उसके माँ बाप तक पहुँचा दो। क्या अंकल, प्लीज बी सीरियस, मैं इसके साथ कैसे जा सकती हूँ? नो माई डियर, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे डर लग रहा है अंकल। तुम मेरी बात को समझो प्लीज, ये तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुँचा देगा। मेरी बात मानो, जाओ इसके साथ। ओह शिट, ये लो ये सारे क्रेडिट कार्ड्स, रख लो। नो अंकल, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ दोनों लोग, जाओ निकलो यहाँ से। अंकल प्लीज, अंकल टेक केयर। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे और नहीं चला जाएगा। मुझसे भी नहीं होगा। एक काम करते हैं, यहीं कहीं रुक कर थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। मेरी माँ, पता नहीं उन्हें किसने गोली मारी होगी, उसकी वजह से आज मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। ए बोल बच्चन, यहाँ। हाँ बोलो। एक कार ट्राई करती हूँ, कुछ दिखाई नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है। अरे बाप रे, अब मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। चलो, मुझे पैसा मिलेगा क्या? अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ क्यों बैठ गई? कहा ना कुछ देर रुक जाओ। नहीं वो मैं यहाँ। ये क्या यहाँ वहाँ कर रहे हो? तुमने मेरे अंकल से प्रॉमिस किया था ना कि मुझे सेफली ले जाकर इंडिया छोड़ दोगे। क्या कहा? एग्रीमेंट। ओहो, तुम भूल गए क्या? अभी भी वक्त है,
तुम जाकर उन्हें कह दो कि मैं इसे इंडिया नहीं छोड़ सकता। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। बात खत्म। अरे आधे रास्ते में तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम पर भरोसा करके इस वक्त मैं बीच मझधार में फंसे नाव की तरह हो गया हूँ। अब तुम ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? तो फिर मैं जैसे कहूंगी वैसे करोगे क्या? सबसे पहले मैं रेस्ट करूंगी, उसके बाद आराम से नहाऊंगी, उसके बाद मुझे खाना खाना है, सोना है और बहुत कुछ करना है। तो फिर मैं क्या करूंगा? लगता है मेरा 3 लाख रुपए कभी नहीं मिलेगा। पर आए हो तो मार्शल आर्ट्स जानते हो क्या? मार्शल आर्ट्स? वो क्या होता है? अब वो जल्दी। अरे बाप रे। ए, आर यू ओके? भाई जरा पैर मोड़ कर रखो ना। अच्छा तू मेरी भाषा नहीं जानता, ठीक है सॉरी। तुम्हें गाना गाना आता है? ऐसा कुछ नहीं है यार। हाँ पहले शादी ब्याह में कभी कभार हम लोग। चलो लगता है What's wrong with you? ये सब जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। चलो कमाल है, लेकिन मैंने इनका क्या बिगाड़ा? देने के लिए अच्छी खासी नींद खराब कर दी। क्या कहा? कुछ नहीं, बेकार में चिल्लाओ मत मुझ पर। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुमने कहा तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आता। अरे यार नहीं आता तो नहीं आता ही कहूंगा ना। नहीं आता तो उन लोगों से फाइट कैसे की? हा? तो वो भी हिसाब किताब में आ गया क्या? ओहो, क्या मुसीबत है। अच्छा ये बताओ वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? एक्सक्यूज मी, वो ना ही मेरे पीछे पड़े थे और ना ही तुम्हारे पीछे। वो जो तुम्हारे टकले मामा है ना, उनकी वजह से जैसे शिवाजी गणेशन के खानदान फिल्म में सावित्री का हाथ उड़ाकर जमीनी गणेशन के हाथ में दे दिया, वैसे ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दिया, उसी का नतीजा है ये मारपीट। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? अब ज्यादा बोलो मत, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वैसे भी मैं फाइट कर करके बहुत ही टायर्ड हो गया हूँ, इसलिए मुझे जरा सोने दो, नींद में कहीं ऊपर नीचे ना लग जाए वरना तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। हाथ पैर लगने तो दो, फिर बताती हूँ, काट के रख दूंगी।
अरे बाप रे, हे भगवान, इतनी ठंड। भगवान जल्दी आओ भगवान। एक मिनट, भगवान, हे भगवान, हर मुसीबत से बचा ले मुझे, हर मुसीबत से बचा ले मुझे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है स्वामी, तेरे सिवा सब है पानी। बचा ले, बचा ले, बचा ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों कर रही हो? अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। देखो ये सब गलत है, भगवान की पूजा करते समय ये सब करोगी तो पाप लगेगा और भगवान दोनों आगे फोड़ देंगे। भगवान को छोड़ो, पहले ये बताओ कि इस तरह कपड़े उतार कर तुम अगर मॉडलिंग करोगे तो $500 तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे, तो मेहनत करने की क्या जरूरत? ये बताओ तुमने भगवान से क्या मांगा? भगवान से? भगवान एक बहुत बड़ी मुसीबत से जान बचा ली, अब आगे आने वाली मुसीबत से भी तू ही बचा ले मुझे। और उससे पहले? उससे पहले मैं 10वीं में पढ़ते समय पास होने के लिए भगवान ने कृपा की थी, 12वीं में पढ़ते समय भी मुझे पास होने के लिए भगवान ने मेरी मदद की थी, उसके बाद सिंगापुर आने के लिए पासपोर्ट वीजा ये सारे सपने उसी ने पूरी किए, इस तरह 4 बार मेरी मांगे उसने पूरी की। अरे मेरा कपड़ा कहाँ गया? क्या देखो, जरा मुंह घुमा लोगी तो अच्छा रहेगा। एक खूबसूरत बॉडी वाला लड़का जब अपनी पैंट पहन रहा है तो तुम बेशर्मों की तरह देख रही हो। देखो कहीं मुझे देखकर तुम्हें वो यू तो नहीं हो रहा है? पागल लगता है ये, इसकी तो मैं मुझे ना तुम्हें घूरने का कोई शौक नहीं है। अरे मुझे कपड़े तो पहनने दो, कपड़े पहनने दो। हेलो डॉक्टर, हाँ मैं विमल बोल रहा हूँ। हाँ आप वहाँ से तुरंत निकलिए, आई नीड योर हेल्प। जी हाँ, कुछ देर में आपको फोन करूंगा, तब तक आप आ जाइए। थैंक यू। ओके हेलो, हाँ मैं विमल बोल रहा हूँ। योगेश, हाँ सारे टैबलेट्स रेडी हैं? हाँ ठीक है ठीक है, रेडी। ओके एक काम करो, तुम फायर सर्विस को फोन करके बाइकल से बोलो 2 टैंकर पानी तैयार करके रखे, जरूरत पड़ेगी तो बोल दूंगा, समझ गए? ओके, इसके अलावा सिटी में जितने भी ब्लड बैंक हैं उन्हें फोन करके AB नेगेटिव ब्लड कितने बजे तक, सॉरी भूल गया था, ब्लड बैंक में 5 बोतल AB नेगेटिव ब्लड तैयार करके रखे, मैं उन्हें फोन करूंगा, समझ गए? ओके थैंक्स, बाय। ये क्या है डार्लिंग, तुम फोन करके डॉक्टर, एम्बुलेंस और फायर सर्विस क्यों बुक कर रहे हो? डार्लिंग You don't know one thing? मेरी बीवी को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसकी सारी चाल में अच्छी तरह से समझता हूँ, तुम्हें और मुझे अलग करके रहेगा, इसीलिए सारी तैयारी कर रहा हूँ। अब वो क्या, अगर उसकी आत्मा भी आ जाए ना तो हमें फर्स्ट नाइट मनाने से कोई नहीं रोक सकता। So sweet, darling. डार्लिंग तुम दूध पी के थोड़ी देर आराम करो, मैं बाथरूम में जाकर अच्छे से तैयार होकर के आ जाता हूँ। ओके थैंक यू। आज हमारी पहली रात है, इसे हम मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे, सुंदर से मनाएंगे, फूल फैलाएंगे और सुहाग रात मनाएंगे, फर्स्ट नाइट मनाएंगे। हाय डार्लिंग, ओ डार्लिंग, आज हमारी पहली रात है, हमारी सुहाग रात है। डार्लिंग ये तुम्हें क्या हो गया? डार्लिंग ये हमारी फर्स्ट नाइट है, डार्लिंग डार्लिंग। अरे बाप रे, डॉक्टर इमीडिएटली कम। देखिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बीवी शायद रात भर सोई नहीं होंगी इसलिए उन्हें नींद आ गई, जब नींद पूरी हो जाएगी तो ये अपने आप जाग जाएंगी। क्या डॉक्टर, मैं यहाँ मूड बना रहा था, तुमने नींद की बात करके सारा मजा गिरगिरा कर दिया। डॉक्टर इफ यू डोंट माइंड एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या बेहोशी की हालत में फर्स्ट नाइट नहीं मनाया जा सकता? अच्छी थू, कैसे इंसान हो तुम। अरे जाओ यार, कौन सी गलत बात कह दी मैंने, मेरी खुशियों पर हमेशा पानी फिर जाता है, कहाँ है मेरा जल्लाद बड़ा भाई। आई नीड टू गो टू इंडिया बाय रोड। रोड? Yeah, because we are university students. Mm-hmm. You see, for thesis, we need to travel by road. Okay, wait a minute. ये क्या? तुमने जो पूछा था उस पर वो इतना टेंशन में क्यों आ गई? रोड से इंडिया तक जाना कोई आसान काम है क्या? मतलब सिंगापुर से हमारे देश के लिए सीधा रोड नहीं है क्या? कुछ भी अनाप शनाप मत पको, चुप रहो ना। अनाप शनाप? This is Singapore. From here you go to Malaysia, then you go to Thailand, then you go to Burma. By there you go to Kolkata. तुम इतनी साइलेंट क्यों हो गई? आप कैसे जाएं? तुम्हारे मामा तो सारा इंतजाम कर चुके हैं ना? वैसे तुम जरा भी फिक्र मत करो, अर्जुन को तीर, हरिश्चंद्र को इंसाफ, शालिनी को लाज और श्रावण को दिल, कोई भी आए भगवान हमारे साथ ही हैं।
अब ये कहाँ चली गई? ए, अरे सुनो, जरा इधर तो आओ। जब देखो तब कुछ ना कुछ तो लेती ही रहती है। बहुत अच्छे। जरा ये नंबर लगा कर देना। अरे देख क्या रही हो, आइसक्रीम नहीं पिघल जाएगी, जल्दी से नंबर लगाओ ना। वो आइसक्रीम लाओ। लगाओ। अब तुम खाओ ना। हेलो प्यारे, मैं सिंगापुर से नए किले का श्रवण बोल रहा हूँ। अरे यार मेरा पैसा तो भिजवा दे। ए, अरे मैं खुद यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अरे क्या हुआ यार? मैं सारी बातें गांव में आके बताऊंगा। ए, घर में माँ बाप बहन भाभी उनका जरा ख्याल रखना। हा? हाँ सबका ख्याल रख रहा हूँ यार। मैंने ना यहाँ पर एक बड़ी मछली फंसाई है। ऐसा क्या? बस किसी भी तरह वो हमारे गांव में पहुँच गई ना तो समझ ले हमारा बेड़ा पार। देख झूठे सपने मत दिखा मुझे। ऐसी बात नहीं है यार, ये एक अलग मैटर है। अच्छा सुन, तू बस लड़के लोगों से कह दे कि मैं जल्दी से गांव में आ जाऊंगा और कह देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे घर में कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो तू प्लीज कुछ इंतजाम करके दे देना। देगा ना? फोन रखू क्या? हाँ रख रहा हूँ। तुम बात नहीं करोगी? हे भगवान, तेरा सहारा, तुझ पे विश्वास करके मैंने दो पैसे कमाने वाली नौकरी छोड़ दी और इस लड़की का भी ख्याल रखना भगवान। हाय निमी, कैसे हो? क्या भगवान? क्या है? नहीं, तुम्हें लाइन नहीं मिल रही है ना, तो जल्दी लाइन मिल जाए इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। थैंक्स। हाँ कैसी है बोल? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? हेलो, तुम बात कर रहे थे तो मैंने कुछ किया क्या? नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ ना इसलिए। थैंक्स, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगी। जाओ यहाँ से। ए सॉरी सॉरी यार, तू बता कैसा चल रहा है? तू मेरी नहीं सुनेगा? भगवान के लिए मेरा कहना मान ले, उस लड़की के लाइन को तू तुरंत रोक दे। तू एक बार उसे देखेगी ना तो हंसती ही रह जाएगी। He's very interesting यार। तो? मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक ऐसा इंसान कभी नहीं देखा है। He's great, you know? अच्छा? बहुत अच्छी फाइट करता है वो। इरादा क्या है? छी, अंकल की वजह से मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। मैं तुम दोनों की सेटिंग लगा दूं क्या? नहीं, इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। sure? अगर मुझे खुद ऐसा लगा तो मैं तुझे बता दूंगी, पर वो बहुत अच्छा लड़का है। शालू, टेक केयर यार। नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, यू टेक केयर। ओके, ये गलत है भगवान। जी भर के बात कर ली ना, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने किसी का खून किया है? हा? अरे ये क्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तो हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो वो मेरे सर पर मारने के लिए सिलेंडर लेकर आया था तो उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरकर मर गया, तो इसके लिए तुम मुझे क्यों खूनी कह रही हो? फिर तुम पुलिस से डर कर क्यों भाग रहे हो? मुझे भी तो अपनी जान प्यारी है ना। मैं सब कुछ समझती हूँ। हाँ क्या समझती हो तुम? तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए हो बल्कि खुद को बचाने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हो, राइट? नहीं नहीं, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए अच्छी खासी नौकरी छोड़कर तुम्हारे साथ आया हूँ। नो? यस। नहीं। अरे हाँ यार, देखो मैंने थोड़े ज्यादा पैसे मांग लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती रहो। अब तक ना रूम का भाड़ा, खाना, आइसक्रीम और ये कपड़ा और तुम्हारा वो यूज करने वाला फलाना वो सब फालतू चीजें हमारे देश के हिसाब से 7,750 रुपए खर्च हो गए हैं, ये सब तुम मेरी तरफ से पोंगल डिस्काउंट समझ कर रख लेना। तुम पर विश्वास कैसे कर लूं? अरे तुम तो बेवफा नहीं। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। रास्ते में पड़ा हुआ है क्या? एक्सक्यूज मी, लाइटर। थैंक यू। अरे रे रे, ये क्या पागलपन कर रहा है? मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें बचाने आया हूँ, ये सच है। ये आग जलाकर क्यों कसम खा रहे हो? ये ना, जब हम सच्ची कसम खाते हैं तो अग्नि को साक्षी मानते हैं ना। ऐसे पब्लिक प्लेस में आग जलाने से पता है क्या होता है? वहाँ देखो तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं। Hey, who set the fire, man? अरे पुलिस, मैं आता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुम भी चलो। सुनो डार्लिंग, तुम्हारे भैया कभी कुछ बोलते नहीं, सिर्फ भजिया ही खाते रहते हैं। क्या डार्लिंग, अच्छे मूड में उस मनहूस को क्यों याद कर रही हो? आज तक उसने कभी किसी का भला होने दिया है? उसे कान से बहरा मत समझना, वो सिर्फ लोगों के सामने बहरा और गूंगा होने का नाटक करता है। अच्छी, जिस दिन मैं इस फोन को पटक के तोड़ दूंगा उस दिन मुझे सुकून मिलेगा। वन सेकेंड, आई एम कमिंग बैक। ठीक है जल्दी आओ।
जितने भी कर्जदार हैं सब मुझे ही फोन करके पकाते हैं। क्या हुआ, तुमने मसाज करना क्यों छोड़ दिया? मैंने मसाज? मैं तो फोन पे बात कर रहा था। हाँ झूठ मत बोलो, तुम कितना अच्छा मसाज कर रहे थे। मेरा भाई ऐसा है कि मेरी बीवी को छू कर चला गया। कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है? इतना क्यों बिगड़ रहे हो? तुम्हारे बड़े भैया ही तो वो हमेशा ऐसा ही करता है। मुझे घर, पैसा, जायदाद कुछ भी नहीं चाहिए। किसी पहाड़ जंगल में जाकर के घर बसाऊंगा, सुकून से रहूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। चलो 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 चलो, अब हम यहाँ एक पल नहीं रहेंगे। चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। अपना मुंह छिपाकर चलो। कौन? मैं अपने भाई से परेशान होकर इस शहर से कहीं दूर जाकर अपना नया घर बसाने के लिए मुंह छुपा करके भाग रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो भाई? भाई आप इंडियन हो? हाँ, हिंदुस्तान की धरती पर पैदा होने वाला मैं एक सच्चा देशवासी हूँ। किस्मत ने मेरे साथ बेवफाई की, उस मिट्टी से मुझे यहाँ लाकर दूर फेंक दिया। सिंगापुर इसने मुझे पाला है, यहीं पर मैं बड़ा हुआ हूँ। भैया सुपर भैया, आप कविता बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हो। मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, तुम्हें कविता लग रही है? वैसे ये चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा है। अरे क्या भैया, आप तो मेरे बड़े भैया हो। मैं नए किले से हूँ, इसलिए तो भगवान ने हम दोनों को मिलाया। ये किस्मत का मारा तुम्हें सच्चा देशवासी लगता है? मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। डायलॉग मत बदल, तू सिंगापुर पुलिस से बचकर भाग रहा है ना? तुम्हें कैसे पता? फेस रीडिंग। हाल ही में सिंगापुर के पेपर, मीडिया और टीवी में बार बार तुम्हें ही दिखा रहे थे। दिखा दिया क्या? ठीक है घबरा मत, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को नहीं फंसाएगा। आई विल हेल्प यू, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मुझे किसी तरह अपने देश में वापस जाना है। पासपोर्ट भी नहीं है, वीजा भी नहीं है। करेक्ट भैया, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पता है, घबरा मत। हमारे सिंगापुर में सिल्क सिटी में असली नकली को कन्वर्ट करने वाला मेरा सर, असली नकली करने वाला। जब तुम वहाँ पहुँचोगे वो मेरे पहचान वाला है। इस दुनिया में कोई भी चीज हो उसे हूबहू छाप करके वैसे ही दे देता है। तुम जाकर के उससे मिलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है भैया। ओके भैया, तुम्हारा नाम? माय नेम इज विमल। विमल भैया, भगवान ने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए ही भेजा है, वरना मैं तो गया था काम से। खड़े रहोगे तो फुटपाथ छाप बन जाओगे, निकलो। अच्छा भैया, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो चलो निकलो। थैंक यू भैया। ओके ओके। अच्छा ए, ऐसे बैठ क्यों गए? जाओ जाकर एनर्जी ड्रिंक लेकर आओ। क्या यार, मैं गा के नाच के नौटंकी करके कमाए हुए पैसों से तुम आइसक्रीम मंगा कर खाती हो, उसके बाद ड्रेस लाने के लिए बोलती हो, और अब एनर्जी ड्रिंक मंगा रही हो, ये सब मैं कहाँ से लाऊंगा? ओए क्या है, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे तुम? हाँ अगर अकेली होती तो कब की इंडिया पहुँच गई होती, तुम्हारी वजह से नहीं पहुँच पा रही हूँ मैं। अंकल ने भी मुझे किस पागल के पल्ले बांध दिया है, किसी से मिल नहीं सकती हूँ, किसी से बात नहीं कर सकती हूँ, और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर इस वक्त तुमने मुझे एनर्जी ड्रिंक लाकर नहीं दी ना, तो मैं तुम्हें खुद पकड़वा दूंगी। hey! मैं डरता हूँ क्या? जाओ मुझे पकड़वा दो, मैं ड्रिंक नहीं लाने वाला। ओए, मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना? हाँ यही बात है ना? हाँ Excuse me, everybody, ये जो यहाँ बैठा है ना, जिसे आप देख रहे हैं, ये खूनी है। जल्दी आप नहीं, ठीक है, मेरी गलती है, सॉरी। हाँ ठीक है, बताओ मैं क्या करूँ? हमें यहाँ से जरा मरा कर जाना है, और मैं उतनी दूर तक चल नहीं सकती क्योंकि मेरे पैर दुख रहे हैं। मैं बस से भी नहीं जाऊंगी, तो वहां जाने के लिए मुझे कार चाहिए। फिर वहां जाकर हमें पासपोर्ट रेडी करके बॉर्डर तक जाना होगा, और उसके लिए हमें पैसे चाहिए। जाकर पैसों का इंतजाम करो। क्या यार, तुम तो चाय पीने जैसा एकदम इजीली बात कर रही हो। ये काम तो इजी है। ये इजी कैसे हो सकता है? सबसे पहले एक कार चोरी करेंगे और फिर उसे बेच देंगे। हेलो, तुम मुझे चोर के खानदान से समझ रही हो क्या? नए किले पर जाकर श्रवण की फैमिली के बारे में जाकर पूछो, सारे गांव वाले तुम्हें इज्जत से सर आंखों पर बिठा लेंगे। मैं देवाजी का लड़का, शिवाजी के जैसा शान से रहता हूँ, और मुझसे तुम चोरी करने के लिए कह रही हो? वहाँ तुम एक अच्छे इंसान होगे, लेकिन सिंगापुर में तुम एक खूनी हो। अरे ऐसा मत बोलो। ओके, यहाँ आओ ना। अच्छों के साथ गलत करना बुरा है, लेकिन बुरों के साथ गलत करना बुरा है क्या? लेकिन गलत कौन है ये हम कैसे पता लगाएंगे? ये तो बहुत इजी है। हाँ वहाँ देखो। ओह माय गॉड, उसे देखो, कितने छोटे बच्चे को मार रहा है, इसका मतलब वो बुरा है ना? आओ आओ मेरे साथ चलो, शुरू हो जाओ। ए यहाँ नहीं, यहाँ जल्दी करो, जल्दी करो ना, ड्राइवर आ जाएगा। और जल्दी जल्दी आ रहा है। देखा, खोल दिया ना। अच्छा आ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, वो नजदीक पहुंच गया। ए, चलो जल्दी स्टार्ट करो, चलो तेज चलाओ, जल्दी करो। हे स्टॉप, इट्स माय कार। हे सायनारा, बाय। हे
बेच पाएगा। ओके ये रखो। सर अमाउंट कितना हुआ? तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। इस पासपोर्ट को लेकर चाहे तुम बॉर्डर क्रॉस करो या फिर एयरपोर्ट चले जाओ, तुम पर कोई शक नहीं करेगा। स्कैन किया हुआ पासपोर्ट डुप्लीकेट पासपोर्ट से बेहतर रहता है। अब तुम लोग एक काम करना, शॉपिंग मॉल या मार्केट जैसी जगह पे ही पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना। मेरी बात समझ गए ना? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, इसके कितने हुए सर? तुम दोनों लवर्स हो क्या? नहीं नहीं। ओके, इसे मेरा गिफ्ट समझ कर रख लो। विश यू ऑल द बेस्ट। गो सिट देयर, सिट देयर। अच्छा, हमारे साथ कोई और भी है? एक बार हमारे देश पहुंच जाए बस। दर की ठोकरे खाकर फकीर ने भीख मांग कर लाकर खीर बनाई। इतने में वहाँ आई एक लड़खड़ाती हुई बूढ़ी और चखते चखते पूरी साफ कर गई हांडी। वही हाल मेरा हो गया है। मैं यहाँ पर जाग रहा हूँ और ये आराम से सो रही है। अभी उठाता हूँ। सुनिए सुनिए, नए किले से देखिए श्रवण आया है। सिंगापुर से युआंग चुआंग आया है। मलेशिया से मेगाबूब आया है। चलो उठ जाओ प्यारी जान। मेरी कविता कुछ काम नहीं कर रही है। अंजलि उठ जाओ, अंजलि 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 उठ जाओ अंजलि। पूरा बदन दर्द के मारे चूर वो तो रहेगा ही, क्योंकि रात को एक चाइना वाले ने अपने खुद के पीने के लिए एक देसी भरकर रखी थी और तुमने मिनरल वाटर समझकर पूरी की पूरी गटक ली। क्या कहा? तो फिर दुखेगा नहीं तो क्या? वो शराब थी, पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पीने की क्या जरूरत थी? तुम बताते तो नहीं पीती ना। क्यों, उसके स्मेल से तुम्हें पता नहीं चला? अरे मैं यहाँ भूख के मारे तड़प रहा हूँ और तुम मेरी बातों का मजाक उड़ा रही हो। मुझे अपने आप पर हंसी आ रही है। हाँ, सच्चाई का पता चला इसलिए हंस रही हो, अगर नहीं पता चलता तो घुट घुट कर रोती। खैर, तुम इस बात की टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे यार, हम इतनी बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं, टेंशन नहीं होगी तो और क्या होगा? कैसी भी टेंशन हो, डेड यस्टरडे एंड बॉर्न टुमारो, प्रेजेंट इज टुडे, सो एंजॉय। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना? मैं तुम्हें हिंदी में समझाती हूँ। चाहे कोई भी दुख क्यों ना हो, जैसे कल फिर लौट कर नहीं आता, आज का दिन हमारा होता है तो उसे क्यों ना एंजॉय करें। क्या देख रहे हो, यहाँ किसे प्रॉब्लम नहीं है, मैं किस दौर से गुजर रही हूँ पता है? सो कल का मत सोचो और एंजॉय करो। बॉर्डर पार कर चुके हैं तो एंजॉय करो, जब तक सांस बाकी है तो एंजॉय करो। क्या ये क्या कर रहे हो? एंजॉय कर रहा था, अभी तुम्हीं ने तो कहा कि जिसमें मैं आखिरी सांस रहने तक एंजॉय करनी चाहिए। मुझे शमशान घाट का तो रास्ता पता है नहीं। एक बात जान लो, ये बात कहने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन हकीकत में ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, मैं तो चला अपने रास्ते, पता नहीं कहाँ मिलेगा मुझे सुकून, रोते रोते कट जाए ये रास्ते। ये से अचानक क्या हो गया? मैं कोई टेंशन नहीं लेती तो पर इसे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? हंस क्यों रही हो?
अरे बताओ ना, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? अरे यार, लगता है तुम्हें कुछ पता नहीं है। जाओ, वहां पर झरना बह रहा है, जाकर अच्छे से डुबकी लगा कर आ जाओ। जाओ, मुंह से शराब की बदबू आ रही है। छी, है ना, ऑस्ट्रेलिया में मुझसे अच्छी है। अरे क्या? मैंने किसी बॉय से फ्रेंडशिप नहीं की और तुम कहती हो कि गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें क्या कमी है? तुम्हारी मार पीट करके मैंने हिफाजत की, इसके लिए मेरी झूठी तारीफ मत करो। तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम में सच में कोई बात है? ऐसे कह रही है जैसे मुझे अच्छी तरह से जानती है। रुको, सच में तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं करती? अरे तुम क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, फिर तुम्हें क्या पसंद है बताओ। अच्छा सुनो, समझ लो कि मैं कहीं नहा रही हूँ और वहाँ पर कोई लड़का मुझे छूने की कोशिश करता है। और अगर तुम मेरे साथ हो और तुम वो सब देख रहे हो तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? क्या सवाल कर रही हो? तुम्हारे अंकल ने मुझ पर विश्वास करके तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा कि इसकी हिफाजत करना, तो मैं उनके साथ धोखा कैसे करूं? और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे अंदर इंसानियत है। गाँव में एक लड़की है, वो मेरे लिए कब से बेचारे इंतजार कर रही है जानती हो? अब तो मैं जल्दी वहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। पर्स में उसकी फोटो है, तुम खुद ही देख लो, तब तुम्हें विश्वास हो जाएगा। ये लो। क्या वो हंसने की क्या बात है? अरे इसमें हंसना क्या, क्या खराबी है इस लड़की में? अरे बोलो तो सही। तुम्हारे यहाँ की लड़की अपना चेहरा नहीं दिखाती है क्या? इसी तरह से फोटो खिंचवाती है? उसके बारे में गलत मत बोलना। सॉरी, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वैसे वो दिखने में कैसी है? किससे पता, उसकी सूरत देखने के लिए मैंने कहा कि तू अपना फोटो दे, तो उसके घर वाले बोले कि जाके चार पैसे कमा, फिर पूरी की पूरी लड़की दिखा देंगे। तो सोचो ये सूरत किसे पसंद आएगी। ओह, तो तुम्हारे लाइफ की ये कहानी है। तुम्हें एक बात बताऊं,
सफर करके मेरे हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं, मुझे उठा कर ले चलो। मैं शरीफ खानदान का लड़का हूँ, याद रखना ये बात। अच्छा सुनो, एक कंधे पर लगेज है, इसे ऐसे रख लेता हूँ। आ जाओ। अरे बाप रे, क्या ये, अब तो ये बोझ उठा कर ही चलना है। अच्छा सुनो, बहुत देर हो चुकी है, प्रसाद मिलेगा क्या? छोटे, अरे भैया तुम यहाँ कैसे? अरे छोड़ यार, हमारे जैसे फ्रॉड लोग एक ही देश में बहुत दिनों तक थोड़ी रह सकते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह मंदिर के बाहर भगवान को ढूंढ रहा हूँ। जाओ भैया, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तुम सिंगापुर पुलिस से बचकर भाग रहे थे, तुम्हारा पासपोर्ट बनाने के लिए मैंने ही तुम्हें एड्रेस दिया। फ्रॉड साबित करने के लिए इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्यों है ना सच्चाई, बोलो। परेशानी में चूसे आम की तरह हो गया है, वैसे परेशान तो मैं भी हूँ। अच्छा सुन, अगर यहाँ आ गए हैं तो एक हाथ मारे क्या? क्या कहा, हाथ मारना है? मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, भूख लगी है, प्रसाद मिला तो खा लेंगे, इसके लिए आया हूँ। ये क्या छोटे, शरीफ दिखने वाले चोरी नहीं करते क्या? पेट के लिए कुछ भी करते हैं क्या? छोटे बच्चों जैसी बात कर रहे हो। करेक्ट, मुझे भी यही लग रहा है। सिस्टर कितने अच्छे से पहचान दिए तुम्हें। एनी आईडिया? यस कम, ठीक है ना? सुपर, मैं गाँव नहीं आता। देखो श्रवण, बेकार मिजिद मत करो ना, मुझे लाइफ में थ्रिल चाहिए और तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए पैसे। जिद करके यहाँ रुक भी गए तो पैसे कहाँ से आएंगे, समझ रहे हो ना? हाँ बात तो सही है। बिल्कुल, तो फिर चलें। Hey ladies and gentlemen, he is Swami Murgan. He is from India. He can fulfill all your wishes. And you know he is very famous in India. See, they also have similar face cut. सुनो, तुम क्या कह रही हो? अरे कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ कि तुम बिल्कुल इनके जैसे लगते हो और तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति क्या है? मतलब अद्भुत शक्ति, और तुम इन लोगों की सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में दूर कर सकते हो। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? वेट, लेडीज एंड जेंटलमैन, समबडी इज कमिंग, कम ऑन कम ऑन, प्लीज कम। यस टेल मी, साउथ अफ्रीका राइट? He's deaf and dumb. Now see the miracle happening. क्या? मैं क्या करूं? मारो ना। मुझ पर नहीं, इस पर। Watch out! ये गूंगा नहीं, पहले से ही बोलता है। Give a big hand. This is a miracle. अरे ठीक हो गया, ठीक हो गया। अरे चमत्कार, ठीक हो गया। अरे मैं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। I want this product. Okay, Q please, one by one. Give me one powder. No change. Okay, well, sure. Two ringgits, please. Oh. Yeah. Two ringgits. Okay. Thank buy you. Buy two. No change. Sorry, no change. Ringgits. Okay, thank you. अरे वाह, ठीक है, काफी हो गया यार। इतना सारा? हाँ, मैंने भी एक्ट किया था भाई। क्या देख रहे हो? हाँ। पैसे वाले घर की लड़की बहुत अच्छे ढंग से इंग्लिश बोल लेती है। मैं तुम्हें एक शरीफ लड़की समझता था, अब समझ में आया कि तुम कैसे पैसे वाली बनी हो। It's okay, just for fun. चलो चलो। Just for fun. चलो अभी। सच में, तुम इस ड्रेस में बिल्कुल मामू लग रहे हो। मुझे पता है ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा? हाँ आगे 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 आगे, हाँ चलो उनके साथ जाएंगे, चलो। सब हमारे जैसे ही लग रहे हैं। तो चला जहाँ रास्ता ले चला। चीज़ जाना हूँ मैं, नष्टी नहीं हूँ मैं। चुपचाप चल नहीं सकते तो? Thank you. उतना भी। Bye bye. Thank you. मुड़ कर देख रहे हैं क्या? हम कहीं दिल कहीं बीच भवर में झंडा लहराए, तारा रा 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 रा। ये क्या है विमल, मंदिर के सामने भीख मांग रहे थे क्या, इतनी चिल्लर उठा कर ले आए? क्या औकात भूल के बात कर रही हो तुम? अगर मैं अकेला होता तो एक इंटरनेशनल फ्रॉड बन के आसमान में उड़ रहा होता मैं। जिस दिन से तेरे गले में मंगलसूत्र बांधा है मैंने, मेरी किस्मत में भिखारियों वाले ग्रह नक्षत्र आ गए हैं। ज्यादा बोलो मत, तुम्हारा हाथ थाम कर मैं भुगत रही हूँ। तो फिर जाके रोड पे बैठना, जरा सब्र करना, तुझे रातों रात उठा के फैन में लटका के छोड़ दूंगा मैं।
पूरे चाकू से भी ज्यादा धार है इसमें तो। ए, क्या हुआ तुम्हें? नंगे हाथ साफ नहीं कर सकता, ऐसा करके साफ करूं तभी हटेगा ये। अब अच्छे से हट रहा है। श्रवण, भूख मार मार कर मेरा गला सूख गया, जरा पानी ले आओ ना। पानी ला, खाना ला, रूम दिला, ड्रेस दिला, ये दिला, वो दिला, क्या क्या दिलाते बैठूं। अरे क्या कर रही हो तुम, वहां पर क्यों खड़ी हो गई? अरे मैं यहाँ पर अकेला धक्का मार रहा हूँ तो तुम आकर मदद नहीं कर सकती? एक मिनट रुको ना, मैं टैटू बनवा कर आती हूँ। नहाते समय बदन में साबुन लगाने की औकात नहीं है, अब एक और बात सूझ रही है क्या? ये भी ना, हमेशा अपनी मनमानी करता हूँ। चलो जल्दी चलो। कहाँ चली गई? शालू, शालू, अरे ये कहाँ चली गई? हमेशा ऐसा ही होता है, अब ढूंढो इसे। मुझे पता था तुम यहीं पर रहोगी। ए, जरा भी अकल नहीं है क्या? हा? एक बड़े घर की बेटी हो ना, अगर कोई ले जाता तो मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढता फिरता। इधर देखो, सुनो, उस बोट वाले को पैसे देने के लिए मैं कचड़े की गाड़ी धकेल कर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम जरा साथ नहीं दे सकती? क्या देख रही हो? ए, इस वक्त शरीफ बनकर दिखाओ या मुझ पर टूट पड़ो, मैं नहीं पिघलूंगा। शिट, फिर भी समझने को तैयार नहीं है। ए, तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसे शरीफ लड़कों को परेशान करके तुम्हें सुकून मिलेगा? हाँ, अब हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? कोई इंडियन मिलने तक यहीं पर रुकना पड़ेगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ इसलिए। पेपर पर तो पेपर वेट रखा जाता है, यहाँ पर भजिया क्यों रखा हुआ है? डियर विमल, आज अच्छा इंसान बना है तो कल बिगड़ भी सकता है। कल जो बिगड़ा हुआ था वो शरीफ हो सकता है। ये डायलॉग कहीं सुना हुआ लग रहा है मुझे। मेरे सामने ये डायलॉग तुमने ही मारा था। तुम्हारे बिगड़े हुए बड़े भाई भजिया खाना छोड़कर शरीफ इंसान बनकर मेरे साथ ही खड़े हैं। है? और अब तुमने फ्रॉड गिरी करके गलत काम करना शुरू कर दिया है। मेरी नजरों में वो तुमसे कई गुना अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर उनके साथ जिंदगी गुजारने वाली हूँ। मुझे भूल जाओ, नमस्ते। अरे पापी, तुमने फिर से मेरा प्यार छीन लिया। ए बड़े भाई, तुमने अपना खेल खेल दिया ना, मैं भी दिखाऊंगा अपना दूसरा रूप। So risky to go there, but I can take you there. Some risk I should take it, but I will take 5,000 bucks, so I can do it. Okay, thanks. क्या बोल रहा है ये महाशय? कुछ नहीं। लगता है तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो कह रहा था कि खतरा उठाकर अपनी स्टीम बोट में हमें वहाँ छोड़ देगा। रास्ते में आर्मी वालों का राउंड अप मिलेगा, अगर वो मिल गए तो गोली मार देंगे। ऐसी सिचुएशन आई तो हमें अपनी जान खुद बचानी होगी, यही कह रहा था। मुझे पता था ये लोग ना इसी तरह विलन वाला काम करेंगे। चलो हम लोग खुद ही चलते हैं यहाँ से। कहाँ जाएंगे? अरे क्या यार, कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन बोट में मुझे नहीं जाना है बस। तुमने फैसला कर लिया है क्या? हाँ कर लिया। हमें जिंदा गाँव में पहुँचना है, तो वो किस तरह से पहुँचना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो भी तो सोचना जरूरी है ना। देखो श्रवण, मुझे लाइफ में थ्रिल चाहिए और तुम्हें पैसा चाहिए। मेरे फ्रेंड से मैं कह चुकी हूँ कि तुम्हारे साथ मैं इंडिया आ रही हूँ, और उसने जाकर मेरी फैमिली को अब तक बता भी दिया होगा। उन्हें पता है कि मैं इंडिया आ रही हूँ, पर ये नहीं पता कि मैं किस हालात में हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। आगे साथ दो
या ना दो। तुम्हारे साथ मरने से अच्छा था कि मैं सिंगापुर में कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता। मजाक कर रहे हो? फिर मेरे साथ क्यों आए? चलो चलो। ठीक है मैं नहीं आता, तुम्हें थ्रिल चाहिए तो तुम अकेली जाओ, गोली खाते बैठना, मैं तो चला, मैं नहीं आने वाला। अरे कहा ना मैं नहीं आ रहा हूँ, अरे नहीं आना है मुझे। Come on, come on. अबे ये नाक चपटे, कोई हमारा दुश्मन तो नहीं है ना? Fast. तुमने तो कहा कि तुम्हें नहीं आना। अब क्या करूँ, तुम्हारे अंकल से वादा जो किया था, कहीं तुम अकेले फंस ना जाओ, ये सोचकर मैं आ गया। नए किले के श्रवण को पहचाना इतना आसान नहीं है, एक बार जिसे जुबान दे देते ना तो फिर पलटता नहीं है वो। बस करो, पता है। हाँ। श्रवण वहाँ देखो क्या है। मैं पानी में कूद रहा हूँ, तुम बोट में छुप जाओ। श्रवण रुको, ऊपर मत आओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। अरे तुम ऊपर मत उठो, वो देख लेंगे, तुम छुप जाओ। श्रवण उन्हें चले दो, वो लोग चले गए क्या, देख लो, वो लोग देखेंगे तो मार देंगे, छुप जाओ। वो चले गए, आ जाओ आ जाओ ऊपर आ जाओ। पक्का चले गए ना? चलो बच गए। अरे बाप रे, बर्दाश्त नहीं हो रही है ये ठंड। तो मुझे गले लगा लो। नहीं, छी, दूर हटो, ये गलत बात है। क्या गलत है? तुमने कहा ना ठंड लग रही है, मैं थोड़ी चाहती हूँ कि तुम मुझे गले लगाओ। तुम पर तरस आ गया, इसीलिए कह रही हूँ बस। ओह, इसलिए तुमने कह दिया? ठीक है रुको, मैं अपनी आत्मा से पूछ लेता हूँ। इसकी बातें तो मेरी समझ में ही नहीं आती है। हेलो, हाँ मैं श्रवण बोल रहा हूँ। नई नौटंकी शुरू हो गई। मैं बर्मा में हूँ, यहाँ बहुत ठंड है और मेरे बाजू में एक लड़की है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं उसे गले लगा लूं। हाँ सिर्फ एक ही बार। हाँ ओके ना, थैंक यू। हाँ गले लग जाओ, आ जाओ। वेट 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 वेट, वो वहां देखो, वहां बोट दिख रही है। हाँ बोट दिख रही है, उसमें टकीला मिलेगा क्या? क्या टकीला? टकीला टकीला, उसे बुलाकर उससे दो ले लेते हैं। टकीला वो... कम कम कम, ये क्या होता है? ये टकीला तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्या होता है ये टकीला? टू टकीला। ये क्या है? थैंक यू। ये तो इसमें तो सारी सब्जी भरी है। ये लो, सारे पैसे खत्म हो रहे हैं। क्या? अरे ये क्या है? ये है टकीला, ये लो पी जाओ। और थोड़ा दो ना मुझे। टकीला ज्यादा मत पियो वरना नशा चढ़ जाएगा तुम्हें। लो मैं बैठ जाता हूँ। ए श्रवण, क्या कर रहे हो? छी, ए छोड़ो, ए छोड़ो मेरा हाथ। ठीक है, इंडिया पहुंचने के बाद अपने मामा और उनकी लड़की से क्या कहोगे तुम? अरे छोड़ो यार, तुम भी ना, ये सारा फैसला अब मेरी मामी ही करेगी। वक्त से पहले ये बात अगर मेरे पापा को पता चली तो वो मेरी शादी करवा देंगे, उसके बाद देखेंगे। इन केस ऐसा हो गया तो तुम क्या कहोगे उनसे? अरे कैसी हो, ठीक हो ना, यही पूछूंगा। श्रवण, तुम्हारा ये सवाल किसी भी लड़की को पसंद नहीं आएगा। अच्छा तो मैं क्या करूँ? जो मैं कहूँगी वैसा ही करना। आई क्रॉस्ड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, स्विम अक्रॉस मेनी ओशंस, climbed many peaks, and I'm standing in front of you. You know why, my darling? ये पानी वाली कविता क्यों पढ़ रही हो? ओहो, ठीक है तो मैं हिंदी में समझाती हूँ। मैं हजारों मुसीबतें झेलकर, हजारों सागर पार करके, पहाड़ों से गुजरते हुए तुम्हारे लिए खुद को यहाँ लाया हूँ। Because I love you. अरे वाह सुपर यार, ऐसा कहा तो मेरे प्यार को मान लेगी। ओ जी चाहता है कि अभी के अभी जाकर उसे कह दूं। एक बार फिर से कहो ना, मैं ठीक से याद कर लूंगा। ये सारी बातें जुबानी शब्द नहीं है, ये दिल की आवाज है। क्या कहा? अरे ये भी तो बहुत बढ़िया है। सुनो ना, तुम्हारे अंदर ना एक शायर बसा हुआ है, इसलिए तो तुम इतनी अच्छी शायरी बोल लेती हो। कहीं वो सितारों में बसी है या कहीं बादलों के आड़ में, मैं यहाँ हूँ, कुछ मेरी और नजरें हो जाए, तुम्हारी यादों में मेरी आखिरी सांस बसी है। कहाँ हो तुम? चली आओ, चली आओ। किसी तरह हमने तीन बॉर्डर्स तो पार कर लिए हैं, अब बर्मा का बॉर्डर कैसे पार करेंगे यही डर लग रहा है। वहाँ मिलिट्री का पहरा है। उसके लिए तुम जरा भी फिक्र मत करो, वहाँ मेरा फ्रेंड है, वो सब संभाल लेगा। यहाँ बर्मा में भी तुम्हारा कोई फ्रेंड है क्या? तुम्हें ये सब कहानी लग रही है क्या? अरे मैं तिरुपति का बहुत बड़ा भक्त हूँ।
तुम तो पढ़ी लिखी होकर भी एक नंबर की नास्तिक हो। तुम पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए पुराने रिवाज में फंसे हुए हो। भूख लगी है अब क्या करेंगे? अब सब कुछ मुझसे पूछोगी? क्या कर सकते हैं? जो पैसा बचा था वो तुमने टकिला में उड़ा दिया। अब जेब खाली है तो मुंह लटका कर पूछ रही हो अब क्या करेंगे? मैं क्या जवाब दूं? वो देखो ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखा दिया। You want to fight? Oh, really? Full money. With all of us. Okay, come here. Yeah. Come on, give him a chance, man. He wants to prove himself. Okay, let's see. He's you want to arm wrestling with him? How much? You win, I give you. Okay. I will give you. Okay, yeah. If you win, we'll give you money. Okay, we agree. He's come on. Man, hello. Show him some stars. Come on, let's show. Show me your guts. Yeah. मैं देश से विदेश में जाकर फंसा हूँ। आज मेरी इज्जत का सवाल है। कमाल मेरे साथ एक लड़की है। अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मुझे बचा ले भगवान। हम जीत गए। नाइस। अब ये सारे हमारे हैं। तो ये पैसा हमारा हो गया। ओके। कमाल मैन ही वांट दिस। अरे जल्दी जल्दी उठाओ ना। हाँ उठा रही हूँ। टेक इट। यू डिजर्व इट। वाह। गुड मैन गुड। वी डिडंट एक्सपेक्ट यू टू विन। गुड गट्स। Have a good time. Oh yeah, I agree. Wow. चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से. Good man, really tough. My bag. Hey, that's good. You really have a tough arm. Yes. देखो मैं आगे जा रहा हूँ और तुम मेरे पीछे ही रहना। हाँ जब तक ना कहूँ तुम कहीं नहीं जाना। याद रखना आराम से। अरे बाप रे ये मौसम कैसे बदल गया। ये तो रेतीला तूफान शुरू हो गया। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या करें? बच कर निकलना तो है ही। चलो आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। ये सही मौका है। चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। कहीं वो लोग हमें देख ना ले। चलो जल्दी। चलो भागो यहाँ से। जल्दी निकलो यहाँ से। वो देखो सामने गैप है। जल्दी घुसो यहाँ से। जल्दी करो आओ। पहले इन कांटों में से मैं निकलता हूँ। मेरे पीछे तुम आ जाना। आओ जल्दी आओ। ओ बैग उठा लो। चलो चलो। उस लॉरी वाले ने हमें पानी वाले सही रास्ते पर लाकर छोड़ा था। सुनो तुम क्या सोच रही हो? ये पानी सब इंसानों को शुद्ध कर देता है। माना फॉरेन की तरह ये साफ पानी नहीं है लेकिन इससे मन को बहुत ही सुकून मिलता है क्योंकि ये गंगा है। डेली यहाँ पर आकर 3 बार डुबकी लगाओ तो तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। really? आओ ना सिर्फ बातों से पता नहीं चलेगा। आ जाओ। कभी सड़क पर चलती है कभी पानी में डुबकी लगाती है। सारी लड़कियों से अलग है। आ जाओ संभल के आओ। जरा मेरा हाथ पकड़ो। श्रवण आगे बहुत गहरा तो नहीं है ना। हाँ डुबकी लगाओ। डूबो। ये हुई ना बात। सारे पाप गायब। श्रवण वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ मुझे पता है। यहाँ आए हुए हमें 2 घंटे हो गए अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा। यही सोच रही हो ना कहाँ जाओगी? नहीं पहले घर पर फोन करूंगी। तुम्हें जो करना है करो। मेरे हाथों में तो बस इतने ही पैसे बचे हैं। जाओ। नई जिंदगी आजादी नई ये धरती। अब सारे तूफान टल गए हमारे।
अरे मुझे भी गांव जाना है, क्या करूं, हाथ में भी कुछ नहीं है, कैसे चेहरा दिखाऊं घर वालों को। श्रवण, मेरे मम्मी पापा मुझे लेने कैलकाटा आए हुए हैं। ऐसा क्या? हाँ। अच्छा कहाँ पर रुके हैं? हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हम जहाँ ठहरे हैं वहीं से फोन करने को कहा है। हाँ, ये वो तो दो दिन और यहाँ रुकने वाले हैं। हाँ। मेरे लिए भी रूम बुक किया है, किसी विक्टोरिया पैलेस में कह रहे थे। ठीक है, मैं तुम्हें उनके हवाले करके अपने गाँव चला जाऊंगा। बैठो, 3 लाख रूपए मिलेंगे? हाँ मिल जाएंगे, चलो। तो वो मिल जाए तो इज्जत बच जाएगी, वरना गाँव भी नहीं जा सकता। कहाँ ना मिल जाएंगे। डैडी। हाय शालू। हाय शालू। मॉम कैसी है बेटा? कैसी है दादी? जीती रहे। हे हाय, हाउ आर यू आंटी? श्रवण यहाँ आओ ना, जल्दी आओ। डैडी ये श्रवण है। अच्छा, हेलो, नाइस टू मीट यू। तुम्हारे बारे में सब कुछ ये बता चुकी है। थैंक यू वेरी मच। श्रवण ये मेरे डैडी है, ये मेरी मम्मी, नमस्ते, ये मेरी कजिन, हेलो, ये मेरे दादा और ये दादी, ये मोरी अंकल, ये नानू आंटी, ये है मालिका आंटी। अच्छा सुनो, मैंने जो चेक दिया था लाई हो ना शालू? हाँ? मैं उसे चेक बना के दे दूं? ओके, दे देता हूं। श्रवण, तुमने मेरी बच्ची के लिए बहुत कुछ किया, मैं ये ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, तुम्हें जितना अमाउंट भरना हो भर लेना। नहीं सर, मुझे तो शर्माओ मत, रख लो काम आएगा। मुझे वो रखो, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। शालू, मैंने चेक उसे दे दिया है, आर यू हैप्पी? थैंक्स डैड, आप लोग वेट कीजिए। हाँ? मैं श्रवण से बात करके आती हूँ। ओके, लेट्स गो, कम ऑन। चलो अच्छा है, तुम्हें तुम्हारे माता पिता सारा परिवार मिल गया, अब तो तुम बहुत ही खुश हो ना? अच्छा श्रवण, तुम एक दिन हमारे साथ रुक नहीं सकते क्या? नहीं, मैं वो अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ ना, इसलिए मुझे आज ही गांव निकलना है। मैं अंकल से कह देती हूँ, वो फ्लाइट टिकट बुक करवा देंगे। नहीं रहने दो, मैं ट्रेन से चला जाऊंगा। अब हम पता नहीं फिर कब मिलेंगे ना? पता नहीं, मुझे सब सपना जैसा लग रहा है श्रवण। हम दोनों क्यों मिले और क्यों इस तरह से बिछड़ रहे हैं श्रवण? ये सब कुछ एक सपना जैसा लग रहा है, यू नो, इस तरह हमारा मिलकर बिछड़ना, ये सब क्यों हुआ, इसकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। आज तुमसे दूर होते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है श्रवण, तुम्हारे बिना अब मेरा जीना मुश्किल है। तुम्हारा रिश्ता कहीं और हो चुका है ये जानने के बाद, ये सब कहना गलत है ना? नहीं वो तो मैं नहीं श्रवण, प्लीज कुछ मत कहो। अरे नहीं मेरी बात नहीं श्रवण, मेरा दिल टूट जाए ऐसी कोई बात मत करो। इस वक्त तुम घर जाओ, कुछ मत कहो, तो महीने का टाइम ले लो, अच्छे से सोचकर आज हम जहाँ बिछड़ रहे हैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके तुम्हारा फैसला सुनने के बाद ही मैं अपना फैसला लूंगी। आज दिसंबर 14th है, फेब 14th को
वो आएगा या नहीं। टैक्सी, विक्टोरिया पैलेस। सर सर प्लीज सर जरा जल्दी चलिए। उसे याद भी है या नहीं। बहुत देर हो गई है। सर मुझे भी यहाँ बहुत देर है। मैं नहीं बचा पाऊंगा। सर ऐसे मत कीजिए सर। प्लीज प्लीज शालू, तुम जहां कहीं हो मेरी आवाज सुनो। शालू मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। तुम कहां हो मेरी आवाज सुनो। जानती हो मैं यहां क्यों आया हूं? क्योंकि आज मुझे मेरा फैसला सुनाना है। शालू 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 यहां देखो मैं यहां हूं।